तो भाई अपने देश में जितने क्रिएटिव लोग है उससे ज्यादा तो महा क्रिएटिव लोग है, और इसी महा क्रिएटिविटी को इन लोगों ने दिखाया है ट्रक के पीछे पोस्टर पर और नोटिस बोर्ड पर। तो यार वीडियो में आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए वीडियो से दबाकर मजा लेना। चलिए शुरू करते हैं। भाई डर में कितनी ताकत होती है वो आपको इस एसी से पता चलेगा। बेचारा ये एसी 3-4 दिन से बार बार रुक रुक कर चल रहा था, पर जैसे ही उसके नीचे ये लटकाया है तब से एसी बिना बिजली के 3 दिन से लगातार चल रहा है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। यार ईमेल जीमेल कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, खबर को आग से भी तेज सिर्फ एक ही मेल फैला सकता है और वो है फीमेल। अरे बाबा! अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब जरा इस हेडलाइन को पढ़ो। मतलब कि यार अगर ये पापा की परी अफ्रीका में चली गई तब तो ये यमलोक में लोगों का अटेंडेंस बढ़ा देगी। सही पकड़े हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मिलो इन सर से जो यार सच में धरती का सीना चीर कर पैदा होते, तभी तो अपने कोचिंग के पैम्पलेट में ये लिखवा कर रखा है अगर मेरा पढ़ाया एग्जाम में नहीं आया तो गांधी चौक पर जिंदा जला देना। अरे अरे खतरनाक लोग हैं। भाई जादू के प्लेनेट से इंडिया में गर्मी के मौसम में अगर कोई मैसेज आता तो वो यही होता कि माँ कसम रोहित भाई इंडिया की इतनी गर्मी में तो मेरी भी फट जाती है, मैं तो खामोखा धूप धूप चिल्लाता रहता था। जली ना तेरी भी जली ना। अरे हाँ भाई हाँ, अब आए ना लाइन पे। Oh no! आज तक लोगों को मगरमच्छ से अपनी जान बचाने के लिए पुकारते हुए देखा था, पर पहली बार इस पापा की हाथी, मेरा मतलब है पापा की परी की वजह से किसी मगरमच्छ को अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगते हुए देखा है। जलवा है हमारा। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी दीदी। यार न जाने कलयुग में और क्या क्या देखना बच गया है। क्या हुई? ज्यादा कुछ नहीं, बस किसी को यमराज ओला कैब से लेने आ रहे हैं तो कहीं किसी महान पापा की परी ने हस्बैंड डे केयर सेंटर खोल रखा है तो कोई खोया प्यार बंगाली तांत्रिक से हासिल करवा रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। और ये लोग न जाने कौन से खेत का घास चर कर आए जो ऑनलाइन बर्थ और डेथ का पोस्टर लगा रखे। ये बात अब एसीपी प्रद्युमन को पता चलेगा कि दया से दिन दहाड़े दरवाजा तोड़ने का अंजाम क्या होता है। समझ रहे हो ना? तो यार अगर आपने ये कहावत सुना है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो आपने बिल्कुल सही सुना है। इसका सबसे ठोस सबूत है ये दोनों पापा की परियां। ये भगवान क्या जुलूम है यार। दीदी पहले तो तुम दोनों आपस में वर्ल्ड वॉर खेल के ये डिसाइड कर लो कि कौन सा पोस्टर पकड़ना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। यार अपने देश में महा क्रिएटिव लोगों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि बेचारा एडिडास को कोई अजीत दास बना कर रखा है तो कोई उसको काली दास बना कर रखा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई मेरा दिमाग के साइंटिस्ट लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आइंस्टाइन चाचा के दिमाग पर रिसर्च करना छोड़ो और सबसे पहले ये पापा की परी लोगों के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू करें। न जाने कहां से ये परी लोग इतना पावरफुल दिमाग लाते। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।